बीएनपी थाना क्षेत्र स्थित अनाज मंडी से अनाज बेचकर जा रहे आइसर के ड्राइवर धर्मेंद्र चौधरी के साथ बाइक सवार दो लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसकी सूचना धर्मेंद्र ने बीएनपी थाना पहुंच कर दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने क्षेत्र के आसपास स्थित ढाबों और दुकानों सहित पेट्रोल पंपों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जहां साथ में धर्मेंद्र को लेकर पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। बीएनपी थाना क्षेत्र प्रभारी अमित सोलंकी ने बताया कि मंडी से अनाज बेचकर जा रहे हैं धर्मेंद्र चौधरी के साथ में कुछ लोगों ने रोक कर करीब 3 लाख की राशि लूटी है, जिसको लेकर लगातार टीम बनाकर जांच की जा रही है, जहां बाईपास से सभी जगहों के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं। पूरा मामला जो आए थे गाड़ी से सोयाबीन बेचने, उसने बेची घर ली ना, मैं सौरभ के पास में, वो गाड़ी वाले बोले, पल्सर गाड़ी थी उसकी, कि आपका माल खड़ के थैली उतर गई, ऐसा क्यों बोला उसने। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, उन्होंने गाड़ी रोकने के बाद में देखी ना, बैठने लगा तो कट्टा अड़ा दिया, पैसे छोड़ा दिए। कितने पैसे होंगे? करीब 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपये करीब। तो ड्राइवर साहब ने बातचीत करी, कैसे क्या थे, क्या है पूरा मामला? वो अभी आएंगे जब, वो तो खरी है, वो काली पल्सर थी एक। अच्छा, वो वहाँ पे गए हैं अपने। कितने साल से आपका अनाज बेच रहे? 15 साल से बेच रहे हम। ये खुद ही रहेगा, हम तो आज तक भी नया डॉलर भी यही बेचता। अच्छा, ड्राइवर का उनका धर्मेंद्र, कहाँ के निवासी है धर्मेंद्र जी? टोंक खुर्द के। आपका नाम? मेरा नाम ज्ञान सिंह। कितना अनाज था आपका बेचने का यहाँ पे जो लाए थे? 70 क्विंटल सोयाबीन के आसपास थे। 70 क्विंटल सोयाबीन के आसपास। 3.5-4 लाख। अभी हमें सूचना मिली कि फरियादी धर्मेंद्र चौधरी द्वारा बताया गया है कि वे जब मंडी से अपना माल बेचकर कुछ नगद राशि लेकर जब अपने घर की ओर जा रहे थे, तो मोटरसाइकिल पर आए कुछ लोगों द्वारा, दो युवकों द्वारा उन्हें रोक के उनके साथ लूट की घटना की गई। इस संबंध में हमारे द्वारा तस्दीक की जा रही है और कैमरे चेक की। फरियादी के अनुसार उनके द्वारा सोयाबीन बेचा गया था मंडी में, जो तकरीबन 3 लाख रुपए की राशि उनको मिली थी, वो पैसा छीनना वो बता रहे हैं। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।